जो हमने दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़ देखा, उससे संबंधित मैंने आप लोगों को कितने प्रश्न दिए थे? 10 प्रश्न। वो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अच्छी तरह से हल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने तीन अंकों वाली संख्याओं का जोड़ दिया है आपको, ठीक है। आप उसको भी अच्छे से अपने कॉपी में कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे 4 अंकों वाली संख्याओं का जोड़, उसका एक अभ्यास कर लेंगे। उसके पश्चात हम लोग गणित में आगे एक-एक स्टेप को बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल है 4526, इसमें आप लोगों को जोड़ना है 3225। जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था जोड़ के लिए क्या करना है, इकाई की तरफ से ही जोड़ की शुरुआत करनी है। 6 है, उसके आगे हम लोग 5 अंक आगे बढ़ेंगे। 6 के बाद 5 अंक आगे, मान लीजिए ये 5 है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 11 जो संख्या आ गई, तो 11 संख्या में इकाई पर आपके 1 है, तो यहां पर 1 हमने लिख दिया। दहाई का 1 आगे हासिल में चला जाएगा, ठीक है। दहाई को 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 के आगे हम लोग 2 बढ़ेंगे, 4 और 5, ठीक। 5 ये अकेला अंक था, इसमें एक इसमें हासिल के लिए कुछ नहीं बचा। अब आ जाओ 5 और 2, 5 के आगे 2 अंक बढ़ेंगे, 5, 6 और 7। 4 के आगे 3 बढ़ेंगे, 4 के आगे 3, 5, 6, 7। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यह समझा दूं, मैंने यहां पहली संख्या लिखी है 4526, दूसरी संख्या लिखी है 3225। अब इसका हम लोग जोड़ करेंगे। 6 के आगे हम लोग 5 अंक जाएंगे, ठीक है। 6 के आगे 7, 8, 9, 10, 11। 11 को यहां लिखने पर 11 इकाई अंक को 1 यहां लिखेंगे और 1 दहाई अंक का यहां पर हासिल में जुड़ जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। 3 और 2 कितना हो गया? 5, ठीक। 5 के आगे 2 बढ़े, 2 लिया आपने, 5 के आगे 2 बढ़ो, 6, 7, तो यहां पर आ जाएगा 5 और 2, 7। 4 के आगे 3 बढ़ेंगे, 3, 4 के आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से हम लोग इस जोड़ की प्रक्रिया को करेंगे, ठीक है। बच्चों एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, जब हम जोड़ की संख्याओं को लिखते हैं तो अंक के नीचे ही अंक होना चाहिए। कैसे? इकाई पर यहां 6 है, तो दूसरी संख्या का इकाई का अंक उसके नीचे आना चाहिए। दहाई के संख्या यहां पे अंक जो है 2 है, तो उसके नीचे दूसरी संख्या का अंक 2 भी उसी के नीचे आना चाहिए। सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। फिर से ध्यान से सुनिए, आप लोग एकदम अच्छी तरह लिखने की विधि को ध्यान में रखिए। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। इस तरह आप हमेशा लिखेंगे तो आपका जोड़ जो है वो सही रहेगा। मान लीजिए यहां पर ऊपर 1000 तक की संख्या दी गई है, लेकिन नीचे मान लीजिए आपको सिर्फ सैकड़े तक दिया गया है, तो इकाई दहाई सैकड़ा वहां तक आप एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, और जो 1000 की जगह रहेगी वहां पर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने की विधि में बहुत ही सावधानी पूर्वक लेखन कार्य आप करेंगे, तब आपका जोड़ अच्छी तरह से सही होगा, ठीक है। अब मैं इसको आप लोग उतार लीजिए, इससे संबंधित आप लोगों को 10 प्रश्न मैं दूंगा, ठीक है। उतारते रहिए, अच्छे से उतारिए एकदम। रफ कार्य मैं मिटा दे रहा हूं, यदि आपको चाहिए तो एक बार मैं फिर अभ्यास करा सकता हूं। आप लोग इसको उतारते रहिए। 6 में 5 जोड़े, 6 और 5 11, 11 की 1 हासिल आए 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 4 और 3 7, आपका योगफल आया 7751। आप लोग इसको उतार लें तो मैं इससे संबंधित आपको 10 प्रश्न दूंगा, वह आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है।
सभी बच्चे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार के अंक को जरूर लिखोगे। स्थानीय मानों के क्रमों को तोड़ना नहीं है बच्चों, एकदम बराबर से ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है? हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब चार अंकों वाली संख्या का आप लोगों को जोड़ दूंगा। देखो बच्चों, आगे प्रश्न को देने के पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप, सातवीं के व्हाट्सएप ग्रुप सेवंथ ए बी सी डी ई ऐसा लिखकर जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर आप लोगों की पढ़ाई चालू हो गई है, तो उस पर जब मैं आप लोगों को ये जो वीडियो सब बना रहा हूँ इसके लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर आप लोग जाओगे और YouTube में वो खुलेगा, ठीक है? तो उसको आप लोग उसको देखकर और साथ ही साथ उसको कॉपी में अच्छे से कार्य करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है? अब मैं आगे का प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, आप लोग मेरे साथ चाहे तो उतारते चलें। दूसरा, पहला सवाल है 9322 को आप लोग जोड़ोगे 1222 में, फिर 4677 को जोड़ोगे 2334 में। तीसरा सवाल, 5728 को जोड़ोगे 4700 में। चौथा प्रश्न, 7203 और 3201 को जोड़ोगे, इनका योगफल ज्ञात करोगे। पांचवा प्रश्न, 1203 4208 को जोड़ोगे। पांच प्रश्न ये मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, इसको अच्छी तरह से पहले आप लोग उतार लीजिए, उसको कॉपी में आप लोगों को करना है। इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, ये योगफल प्लस का चिन्ह है, इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। पांच ये उतार लें तो इसके आगे का पांच मैं फिर से आप लोगों को देता हूं। ठीक है, अब आगे का पांच ये प्रश्न आप लोगों ने उतार लिया होगा सब लोगों ने, ठीक। अब आगे का पांच प्रश्न और देता हूं। चार अंकों की संख्याओं का हम लोगों को योगफल याद करना है, चार अंकों वाली संख्याओं का। पांचवा, अब सब पांच तक दिया था, छठवा सवाल 8232 3445, सातवां 9201 1010, आठवां 5335 4335, नौवां 7777 दसवां 5673 9002, ठीक है बच्चों? इसको भी आप लोग उतार लीजिए, उतार कर इसे अपनी कॉपी में ये जोड़ को करना है, ये जोड़ को करना है। या मैंने संख्या आपको दी है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, 8232 में आपको जोड़ना है 3445, 9201 में जोड़ना है आपको 1010,
5335 में आपको जोड़ना है 4335, 7777 में जोड़ना है 1101, 5673 में जोड़ना है 9002। ठीक है, इसको आप सब अपनी कॉपी में जोड़कर अच्छी तरह से उसको लिख लेंगे। ये सारा जितना भी मैं आप लोगों को प्रश्न करने के लिए दे रहा हूं उसको आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसको जरूर से जरूर हल करना है। उसकी फोटोकॉपी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजोगे लेकिन उसको सब लिखे रहोगे, जब विद्यालय खुलेगा तो उस समय मैं आकर चेक करूंगा। ठीक है, वो अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको उतार लीजिए सब लोग। दसों सवाल यहाँ पे पांच दिया है, पांच पहले दिया था, सब उतार लीजिए, एकदम अच्छे से उतारिए, राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया राइटिंग में। ठीक है, ये सब आप पूरा करके रखिए आगे का। अब दूसरे बार जब मैं दूसरे पीरियड में आऊंगा तब आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं आपको।